Assalamualaikum viewers, Ms. Khan once again. Please subscribe my channel and stay tuned with me. आज का जो टॉपिक है वो रिलेट है मेरी लास्ट वीडियो से, जिसमें हमने नेगेटिव कंपनी और उसके इफेक्ट सेल्फ डाउट के फॉर्म में किया था. अब नेगेटिव कंपनी सिर्फ यही नहीं है कि वो करेज नहीं करता या नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर पुट करे, बल्कि नेगेटिव कंपनी ये है कि वो आपके अंदर ऐसी हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप करते हैं या नहीं. हेल्दी हैबिट्स से हम किसे कहते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज होती हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होती हैं, आपको बुक रीडिंग होती है, आपकी आपकी बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, उसमें आपकी डिस्कशंस होती हैं, आप नॉलेज शेयरिंग होती है और आप एक दूसरे के साथ सैर और तफरी के लिए जाते हैं. इसके अलावा बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज में आप जब फ्रेंड्स के दरमियान बैठते हैं बहुत ही पॉजिटिव चीजें अपनी कंपनी में करते हैं. ऐसे तमाम बैड हैबिट्स जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको किसी एडिक्शन की तरफ लेके जाती है, वो उनसे भी रोकती हैं. तो ऐसी एक्टिविटीज पॉजिटिव हैबिट्स होते हैं. तो आपकी कंपनी में ये बहुत मैटर करता है कि आया जो आपकी कंपनी में आप सब लोग हैं वो उनकी हैबिट्स और उनकी नेचर क्या है. क्योंकि एक जो है एक दोस्त का दूसरे पर असर लाजमी होता है, ये कहें या ना कहें, हम इसको माने ना कहें माने, लेकिन हमारी शख्सियत पे, हमारी जात पे, हमारी चीजों पे असर अंदाज होता है. पहले दिन हमें नहीं पता चलेगा, दूसरे दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद हम भी वो कुछ ना कुछ उसका अडॉप्ट करके वो चीज कर रहे होंगे. लिहाजा आप अपनी कंपनी को जरूर देखें कि उनकी हैबिट्स क्या है. आप ऐसे अनहेल्दी एक्टिविटीज का हिस्सा तो नहीं है वो कंपनी में, आपको किसी किस्म की एडिक्शन तो नहीं है, तो प्लीज ऐसी कंपनी से भी अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है, ये आपकी लाइफ को तबाह करने की तरफ लेके जाती है.